कृष्ण मोहन एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल को कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये प्लाई का सीट है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर प्लाई का कट करके रखा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनाएंगे, ओह मुझे भी नहीं पता है क्या बनाएंगे सर। तो फ्रेंड्स चलिए इसको, और आपको देखना है तो पूरी प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो फ्रेंड्स चलिए इसको फटाफट करते हैं। फ्रेंड्स इसको आपको एक बॉक्स की तरह इसको प्लाई को जो है इसको चिपका लेंगे, फेविकॉल या इंस्टेंट ग्लू या आप ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये प्लग है और ये 5 पिन है और ये स्विच है। यह हम मार्क कर लेंगे, ये प्लाई का सीट है बैक का, मार्क कर लेंगे एक स्विच का और एक प्लग का। तो फ्रेंड्स चलिए मार्क कर लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम यहाँ पे स्क्रू से इसको अच्छे से उसको हम टाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और आपको इसी तरह की और रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स ये मैंने स्विच का भी जो स्क्रू है इसको मैं टाइट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स ये स्विच है जो छोटे मोटे नन्हे से ये दो स्विच है फ्रेंड्स, डीसी है या एसी में भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर लिया फ्रेंड्स, ये एक एसी इंडिकेटर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ ये दो चुटा लिया हमें, आप देख सकते हैं। इसको आराम से जो है एक लेग को निकाल लेंगे फ्रेंड्स, दोनों में रहता है फ्रेंड्स। फिर वायर हम कनेक्ट कर लेंगे, आप देख सकते हैं एक रेड है एक ब्लैक है। तो आप दोनों को ये जो है कवर्स का निकाल के हम उसमें अच्छे से अटैच कर सकते, ये रेड वाला है हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रेड वाला जो है इसमें हम टाइट कर देंगे और ब्लैक ब्लैक में। तो प्लीज़ फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर तो फ्रेंड्स इसको हम फटाफट टाइट कर दिए हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये ब्लैक का है, फ्रेंड्स ये चुट्टा मैंने 10 रुपये का, आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो प्लस और माइनस का जो चुट्टा है तैयार हो गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक हम गिरो लगा देंगे, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए ये जो वायर है ये फ्रेंड्स एक इंजेक्शन का एक है फ्रेंड्स, को हम कट कर लेंगे यहाँ से वायर निकालने के लिए जो स्मूथ रहे। जो फ्रेंड्स चलिए इसको हम ये जो हमारा जो निडल का जो थी है फ्रेंड्स, इसमें हम इंजेक्शन का उसमें निकाल लेंगे हम। देख रहे हैं फ्रेंड्स इसे वायर निकाल लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे भी हम यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा टाइट कर देंगे, ये सब देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये है फ्रेंड्स, ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया फ्लिपकार्ट या आप अमेज़ोन से कर सकते हैं फ्रेंड्स, 100 रुपये का आएगा। ये डीसी किट है फ्रेंड्स, तो ये इनपुट है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एसी का आउटपुट है। ये स्विच कनेक्शन हो गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक वायर स्विच से और प्लग से कनेक्ट और एक डायरेक्ट स्विच से और प्लग से कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कनेक्शन, देख सकते हैं फ्रेंड्स हर एक चीज़ का कनेक्शन हो चुका है फ्रेंड्स। अब ये देख सकते हैं ये एलईडी है और ये फैन का लाइट है फ्रेंड्स, कूलिंग फैन। तो फ्रेंड्स कूलिंग फैन का कनेक्शन भी बाकी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये दो वायर आया है डीसी का किट का जो है वोल्टेज एसी और ये कूलिंग फैन का है और एसी इंडिकेटर है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं कूलिंग फैन है 12 वोल्ट फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से अब देख सकते हैं छोटे छोटे होल किए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम टाइट कर देते हैं कूलिंग फैन को।
फ्रेंड्स ये स्क्रूफ है और ये स्क्रू ड्राइवर है। तो चलिए इसको हम फटाफट टाइट करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसको हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। आप चाहे तो इसको चिपका भी सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये अच्छे से टाइट हो चुका है। फ्रेंड्स ये जो आप देख सकते हैं वायर स्विच में सोल्डिंग करने में दिक्कत आएगी फ्रेंड्स, तो ये जो एलईडी है हम यहीं से ये प्लस का आइकॉन ये माइनस का आइकॉन है तो फ्रेंड्स यहीं से हम इसका वोल्टेज देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे जो डीसी इंडिकेटर है वहीं से मैंने कूलिंग फ़ैन का कनेक्शन किया हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम आप अच्छे से इसको बॉक्स की तरफ पैक कर देते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको ऑफ कर दिया हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से बंद कर दिया हूँ। बैटरी है आप देख सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा ये बैक का बैटरी है 12 वोल्ट 4 एम्पियर। फ्रेंड्स ये हमारा इन्वर्टर है और फ्रेंड्स ये हमारा एलईडी है आप देख सकते हैं, ये 9 वाट का एलईडी है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये कोई फेक वीडियो नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये जो आप देख सकते हैं ये मेरे पास एलईडी है, एलईडी को हम सबसे पहले हम आपको इस बैटरी से चला कर दिखाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कोई फेक वीडियो नहीं है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा एलईडी जो है वो नहीं जल रहा है, आप देख सकते हैं नहीं जल रहा है। वायर उलट पुलट करेंगे तब पर नहीं जल रहा है। ये हो गया हमारा 12 वोल्ट। फ्रेंड्स हम आपको इससे भी चला कर दिखाएंगे, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इससे भी नहीं जल रहा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नहीं जल रहा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स अब आपको इन्वर्टर पर चला कर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है इन्वर्टर का फ्रेंड्स ये जो आप पीछे का वायर देख रहे हैं पीछे से जो आया है ये यहाँ पर डीसी इनपुट यहाँ से डीसी इनपुट लेता है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये डीसी है डीसी पे हम आपको डीसी 6 वोल्ट 4 एम्पियर इस पर हम आपको चला कर दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये जो हमारा इन्वर्टर है यहाँ से ऑन होता है, आप देख सकते हैं एलईडी चलने लगा है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक कूलिंग फ़ैन लगा है, ये स्विच है यहाँ से यहाँ पे कूलिंग फ़ैन स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपको पहले ये जो लाइट है फिर से हम फ्रेंड्स दिखा सकते हैं हम आपको ये जो एलईडी है ये बैटरी है इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स नहीं जल रहा एलईडी लट पलट करके फ्रेंड्स नहीं जल रहा एलईडी। तो चलिए हम आपको इससे चला कर दिखाते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारा एलईडी है फ्रेंड्स। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स इस बार एलईडी जला, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप कोई फेक वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, ये वही इन्वर्टर है आप देख सकते हैं और वो यही 6 वोल्ट बैटरी है, ये कोई फेक वीडियो नहीं है। तो प्लीज़ और आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपको 6 वोल्ट से भी चला कर दिखा देते हैं। ये तो हो गया 6 वोल्ट का पावर। फ्रेंड्स आप इसे पावर बैंक से भी चला सकते हैं, छोटा मोटा बैटरी से भी चला सकते हैं, इतना पावरफुल है फ्रेंड्स ये आप पे ये जो इन्वर्टर आप इसे टीवी से भी चला सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हो गया ये फ्रेंड्स ये हो गया 12 वोल्ट। चलिए इस पर हम आपको चला कर दिखाते हैं, ये हमारा एलईडी है और ये हमारा इन्वर्टर है। तो चलिए पहले हम आपको बैटरी टेस्टिंग करवा देते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स नहीं जला, देख सकते हैं फ्रेंड्स नहीं जला। तो चलिए अब हम इस पर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स जला इस बार, तो प्लीज देख सकते हैं फ्रेंड्स ये स्विच है। तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। डायरेक्ट ऑफ होता है इन्वर्टर, यहाँ से ऑन होता है, ये कूलिंग फैन का स्विच है ऑन ऑफ देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स
अब हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।